हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो मलाई रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो भाई ये भी काम ख़त्म करते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं क्योंकि घी भी ख़त्म होने वाला है। और अभी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाल दिया है तो जल्दी ही आ जाएगा। और ये मावा रखा हुआ था तो उसमें मैंने चीनी डाल ली है, तो इसकी बनानी है मिठाई। देखते हैं कैसी बनती है कैसी, क्योंकि मिठाई विठाई में बहुत कम बनाती हूँ। जो इनको बनाते रहते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैं कभी कभार बनाती हूँ। तो देखते हैं आज ये मिठाई कैसी बन के तैयार होती है। बहुत खूबसूरत लग रही जैकेट तेरे भाई, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी लग रही जैकेट। हाँ नहीं अच्छी है पहले ये अरे वाह गजब। और भी और सामने से आ गया तो जल्लाद हो गई थी, अभी जल्लाद सी लग रही थी। ब्लैक टॉप आ हाँ धर के ही रखे है 24 घंटे धर के रखूं, मेट्रो लेना पड़ेगा ना एक और जब काम हो जाएगा। मेट्रो तो एक और धरवाना पड़ेगा जब काम हो जाएगा। बहुत खर्चे, पता नहीं कैसा कैसा होगा। अरे ईश्वर इतना मकान बन कर तैयार होगा, इतना टाइम पूरा होगा, 2 लाख रुपए चाहिए वे। तो अभी तो ये पतला है, थोड़ा सा ये टाइट होगा बस, फिर मैं इसमें गोले का बरूदा जो होता है बुरादा वो डाल दूँगी। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीनी दिख रही है, और जैसे कि पानी में डाला है तो अभी ये फैल रहा है, जम नहीं रहा है। तो अभी जो है ये मिठाई बनके तैयार हो गई है, मैंने इसमें गोले का बुरादा जो है वो डाल दिया है और अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये जमने के लिए कुछ अंदर डाल दिया है, कुछ ऊपर मतलब कि वो कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे बनके मिठाई हमारी तैयार, अभी देखते हैं जमती है या नहीं जमती है, वो तो हम जमने के बाद में ही मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बहुत मैंने तो ये वाली मिठाई तो पहली बार ही बनाई है। जो मिठाई है उसमें कट लगा के रख दिए हैं, अभी कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो रखना पड़ेगा ना, ठंडी हो जाएगी तो तभी मैं इसको वो करूँगी। मैं नहा चुकी थी और जैकेट है, कोई सर पे ये नहीं कहेगा पल्लू नहीं है, जैकेट डाल ली। ये जैकेट मैंने इनकी मंगवाई थी, पर ये तो मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैंने कहा अब तुम क्या करोगे लेके, वो करेंगे आपस में ना, दोनों साझा कर लेंगे, मैं भी पहन लूँगी और तुम भी। घी भी बनाया ना आज, आज बहुत काम हो रहे हैं, घी भी बनाया आज, इसको भी रखती हूँ बनने के लिए। ये मावा मैंने थोड़ा सा ना बचा लिया, और ये बचाया है मैंने उसके लिए, इसमें से बनाऊंगी मैं पेड़े। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अभी मुझे सब्जी भी कट करनी है, पर फिलहाल जो है सबसे पहले मैं घी रख देती हूँ बनने के लिए। अभी मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, अभी बिंदी भी लगानी है। निकल गया मक्खन भी, तो ये रख दिया घी भी बनने के लिए, अभी बनता रहेगा धीरे धीरे ये घी बनेगा। जब तक कट कर लेते हैं सब्जी, और सब्जी में बनाऊंगी वही सिंपल वाले आलू गाजर, मटर भी हैं थोड़े से, मटर भी डाल लेती हूँ। वैसे ना ज़्यादा इसमें मैं गाजर ही डालूंगी, आलू एक डालूंगी बस। चलो
बैठ के तसल्ली से तब तक अपनी सब्जी काट लेते हैं, मांटू भी आ जाएगी तब तक ना स्कूल से। और मैंने वो कर लिया है, गुलाब जल भी लगा लिया है और एलोवेरा जेल जो है वो भी लगा लिया, बिंदी लगा लेती हूँ। बस इतना ही करना था, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया और हल्की सी अपना लिपस्टिक लगा ली। अब इसको चलाने को अभी मैंने यहाँ पे घी रख दिया है बनने के लिए और जो सब्जी है वो काट लेती हूँ। तो गाजर और मटर रखी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो नीचे बैठ के ही सब्जी को काट लेते हैं और तब तक ये मेरा जो घी है वो भी बन जाएगा। मैंने तेज वो किया हुआ है गैस, इससे क्या होता है कि घी बहुत जल्दी बन जाता है। अगर हम इसको चलाते रहते हैं तो नीचे लगने का भी डर नहीं रहता है। तो चलिए जी काट लेते हैं सब्जी। और ये जैकेट आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बिल्कुल भी मुझे ना जैकेट वैकेट पहनने में उलझन बहुत होती है क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े सर्दियों में नहीं पहन पाती हूँ, तो उसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। तो अभी सब्जी मैंने छोंक दी है और इसमें आलू गाजर मटर ढक के रख दूंगी। घी भी जो है वो भी बन गया है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अभी यहाँ पे मैं और मम्मी लहसुन छील रहे थे और आप लोग सोचेंगे इतना सारा लहसुन किस लिए छील रहे हैं, तो ये कुछ जो भी है वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पे हम बातें भी कर रहे थे और लहसुन। मैं कल गई थी मार्केट और थोड़ा सा सामान लेने के लिए, कुछ सामान था जो मुझे लेके आना था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं लाई हूँ गोपाल जी का। अभी इसके साथ की गद्दी होती है, हाँ ये कुछ इस तरीके का है। ये जो है ये नीचे का वो है गद्दा और ये जो है ये साइड के कुशन है इस तरीके के, और ये है पिलो इस तरीके का। तो ये गोपाल जी का लेके आई हूँ मैं गरम, और इसी के साथ में ये है रजाई। तो ये मैं नया लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो ये लाई थी और गोपाल जी की, और एक ड्रेस तो जो है वो मैंने अलग निकाल के रख दी है, वो पहनानी है, और एक ड्रेस है ये वाली। और ये आए किस उसमें है वो सारी चीज़ें मिलेगी आप लोगों को बताऊंगी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कि ये आए किस खुशी में है, ठीक है। और एक ड्रेस है ये वाली, ये गरम है पूरा का पूरा, नाइट सूट जो होता है ना गरम में वो है। इस पे ये है ऊपर, नीचे ये है और कैप है ये इस तरीके का। एक जो भी ये है और एक है ये वाला, पता नहीं इसको बोल तो रहे थे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। एक है ये रात के ही है,
जैसे कि पहना के बिठा दिए इस तरीके से। एक जोड़ी है ये वाले, जब मैं पहनाऊंगी तब आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरीके से हैं। और एक है ये वाले, ये भी बुलंद नहीं है। और दो जोड़ी मैं बाली लेके आई थी गोपाल जी की, एक जोड़ी मैंने जो है वो पहना दी है और एक जोड़ी है ये वाली। ठीक है, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये गोपाल जी का हो गया। और हाँ दिया होगी मम्मी, पकड़ाया ही बेटा एक बार, है ना? क्या क्यों बेटा? बाबू ये ना ले, इसमें कागज है। मांटू बैग में बैठा, नहीं इस बैग में जो, हाँ तो एक ये मैं अपना गरम सूट लाई हूँ ये वाला, और इसके नीचे ये इस कलर की सलवार है। ये मुझे थोड़ा सा इस तरीके के ही मुझे जो गरम सूट है वो पसंद है, तो एक गरम सूट है ये वाला। और एक है गरम सूट ये वाला, ये ग्रे कलर का सूट है। और ये इसके नीचे सलवार में इसका वो दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा है ये वाला सूट सलवार, और ये इसके ऊपर स्टोल है। तो ये वाला है दो सूट, मैं फिलहाल ये दो सूट लाई हूँ क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास में एक भी गरम सूट नहीं है और मुझे ये बिल्कुल अभी सिलवाने हैं, तो मैं ये दो सूट ले आई हूँ अभी फिलहाल के लिए। और दो है स्टोल, एक तो है ये वाला इस कलर का, और एक है ये वाला, ये वाला। तो दो है स्टोल, एक ये वाला है, दोनों ही साइड से। और ये भी मुझे काफी, मतलब कि कोई से भी सूट पे इसको डाल सकते हैं। तो दो ये स्टोल है, ठीक है। और बाजू के दो ये इनर हैं वूलन वाले, एक पजामी इसमें जो है वो पहन ली है, गरम पजामी थी लेगी जैगिंग टाइप की, एक उसने पहन ली है। और एक है ये वाली, ये भी वूलन में ही है इस तरीके की, ये वाली। इसको ऐसा है कि घर पे भी आराम से पहन सकते हैं और कहीं बाहर भी जाना हो तो भी आराम से पहन सकते हैं। तो ये है इसकी एक जैगिंग, और भी कुछ चीजें थी छोटी छोटी सी वो, हाँ तो ये थे दो जोड़ी इसकी सॉक्स थी, तीन जोड़ी थी, एक जोड़ी उसने पहन ली है और दो सेट इसमें भी हैं। और सूट जो है मुझे सिलने देने हैं कल, कल हाँ कल मेरे सूट जो है वो सिलने के लिए चले जाएंगे। और मुझे अपने लिए फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ, जैकेट भी लानी थी मुझे एक दो, पर अब नहीं लाई हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कहीं आना जाना नहीं और घर में पहनने के लिए, और वैसे भी मेरे पास में भी है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जूते भी मैंने इसलिए लूँ क्योंकि मैंने अभी जूती मंगवाई है दो जोड़ी अमेज़ोन से जो मंगवाई थी, तो वो भी रखी हुई है। और फिलहाल के लिए मुझे इतना ही, मैंने कहा इतने की ही ज़रूरत है तो यही मंगा लेते हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत 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 ही अच्छा वीडियो है, उसमें बहुत कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करूँगी। और इसी के साथ में इस वीडियो को एंड कर देते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।